प्लास्टर का जो है लास्ट फैन है उसका जो पार्ट बेसिकली का तरीका बताते हैं, जो उसका पार्ट इस तरह से बेचते हैं और वो पूरी चलता है उसे चेक करने के लिए यार। एक एग्जॉस्ट आया हुआ है जो कस्टमर कह रहा है कि चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है, इसे हम चेक खोल के चेक करते हैं ये क्यों नहीं चल रहा। ये DFC का एग्जॉस्ट फैन है, इसका जो हम पहले सबसे पहले कैपेसिटर खोलते हैं। कैपेसिटर खोलने के बाद हम ये वायरों के कनेक्शन अलग अलग करते हैं। ये जो हमारी है, ये जो मोटर से हमारी वायर निकलती है ब्लैक कलर की, ये जो कॉमन कहलाती है, और ये जो कैपेसिटर के साथ लगी हुई है ये रनिंग और स्टार्टिंग कहलाती है। इसमें एक रेड है और दूसरी ब्लैक है। ये हमने इनसे अलहदा कर लिया कैपेसिटर। अलहदा करने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आया जो सप्लाई है हमारी उसमें तो कोई मसला नहीं है। इसे हम चेक करेंगे सीरीज के साथ। सीरीज के साथ चेक करने के लिए ये तरीक़ाकार होता है कि हम ये दोनों आगे से जॉइंट करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने ये चेक करना है कि सीरीज में ये वायर सही है। तो देखते हैं कि वायर में तो कोई मसला नहीं है, वायर है बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये कैपेसिटर चेक करते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये भी तकरीबन ठीक है, वीक है ज़रा पर ठीक है। इसे जब आगे चलेंगे तो चेंज कर देंगे। और इसके बाद के जो मोटर के कनेक्शन है ये चेक करेंगे, इनमें तो नहीं कोई मसला है, जो मोटर चल नहीं रही, मोटर क्यों नहीं चल रही, इसलिए ये हमने कॉमन को लिया और रनिंग पे लगाया। रनिंग पे ये लूप है ब्लू, वो ब्लू रंग की लूप जो है वो शो नहीं कर रही। अब हम देखते हैं रेड कलर की लूप का जो हमारे पास स्टार्टिंग है, ये जो रेड कलर की लूप है ये शो कर रही है, लिहाजा ये रेड वाली लूप सही है और जो ब्लू वाली लूप है वो ख़राब है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मोटर है वो अंदर से ख़राब है, उसके जो कॉयल हैं वो ख़राब है, उसे रिवाइंड किया जाएगा, बहुत दोबारा रिवाइंड करके इसे चलाया जाएगा। थैंक यू।